लये विनाश ने लय में और विनाश में लय विना उभय उभय मतलब दोनों में रोदने दोनों में व्यक्ति नहीं दिखाई देता लेकिन लय गतम पुनर लय की गई चीज पुनः वापस आती है नाश की गई चीज पुनः वापस नहीं आती। देखो जी बहुत ध्यान से समझना लय गतम पुनः भवति नो मृतम खत्म श्लोक इतना ही है बस ये श्लोक इतना ही है बस ये लय विनाशने उभय रोधने लय गतम पुनर् भवति नो मृतम हम और आप अपनी समस्या को लीन करने के चक्कर में है नाश करने के चक्कर में नहीं है। देख लो जरा जो सुषुप्ति है हाँ वो लय की अवस्था है वो जो अज्ञान है जो समस्या है अरे मैं ये कहूं कि ध्यान है वो क्या है जो अभी आप करते हो वो लय की ही तो अवस्था है जो हमारा ध्यान करते हैं वो अरे जो प्राणायाम करते हैं वो क्या है थोड़ी देर के लिए सब क्या कर दिया आपने लय म्यूजिक सुनते हैं वो क्या है लय लेकिन इस लय से कहां तक काम बनेगा समस्या का इलाज सदैव के लिए किया जाए ये जो हम और आप ये जिसको आप डॉक्टर की भाषा में बोलते पेन किलर वाला ट्रीटमेंट कितने दिन काम में आएगा मतलब आप घबराए तो फिर अध्यात्म के पास आ गए घबराए तो फिर पूजा कर ली तो जीवन भर घबराते रहो और जीवन भर ये करते रहो ये बहुत बड़ा बंधन है। तो अरे इस समस्या से निजात क्यों नहीं हो जाती मतलब अब तो ये बात हो गई कि जब जब सांप दिखे तो सपेरे को दिखाओ अरे आप जाके सांप को भगाए आओ तो सपेरे को बार बार बुलाने की जरूरत देखो ये भी तो एक इलाज हो सकता है। सुषुप्ति में मिथ्या ज्ञान का लय होता है मिथ्या ज्ञान की लीन दशा ज्ञान दशा नहीं है योग ने इस लीन दशा को ही ज्ञान की दशा मान ली अंतर देखते जाना इस लीन दशा को ही योग ने ज्ञान की दशा दिखता ऐसे ही है लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर है बाहर अभी दिख नहीं रहा है इसको बोलते हैं लीन हो गया भाई पूरा जगत नष्ट नहीं हुआ जगत सुषुप्ति में क्या हो गया लीन हो गया। अच्छा जी इसलिए कंक्लूजन देखना जीव की मूल समस्या विक्षेप नहीं है आवरण है जीव की मूल समस्या अन्यथा ग्रहण नहीं है अग्रहण है। ये चेहरे बदलने से काम नहीं चलता ज्यादा दिन तक इसको थोड़ा व्यवहारिक रूप में लाके देखना चेहरे बदलने से काम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता जब तक कि उस समस्या को क्या किया जाए सुलझाया ना जाए। तो मेरी क्रोध की समस्या है तो आप एक बार कह सकते हो ये व्यक्ति गंदा है इसके कारण मुझे क्रोध आता है तो बोले इसके कारण क्रोध आता है तो इसके कारण गाली दे। अच्छा कितने के कारण बोलोगे आप एक बार ये भी तो बोला जा सकता है कि मैं ही खुद दोषी हूं दूसरों को बोलने की बजाय एक बार ये भी तो हो सकता है वह जो फॉल्ट हो वो किस में हो मुझ में ही हो तो उस समस्या का हल चेहरे बदलने से तो नहीं होगा। मैं इस बात को आपके बीच में कभी कभी मजाक में ये कहता हूं कि
आपने काम वाली बाई कितनी है एक साल में रख चुके अभी तक आप? अपना ज्ञान और अज्ञान वहीं देखना आप भी। क्यों अजय गुप्ता जी, कितने पहरेदार रख चुके तुम अपने प्लॉट में भी? अब ये जीवन मेरा प्रैक्टिकल, अरे कितनी बार बदलोगे आप भाई? एक बदलोगे तो दूसरा भी उसी का ही रंग रूप है और आकार बदलो वो भी सोएगा, इसको भगाओगे ये भी सोएगा। समस्या का हल व्यक्ति बदलना नहीं है, समस्या का हल बोलो जी उसके कारण को बदलना है। देखो जी ये जो इलाज है वो कैसा है, सदैव के लिए, मतलब वो चीज को मिटा दी जाए उसके लिए व्यक्ति लाया जाए वो ठीक है, लेकिन हर बार व्यक्ति बदला जाए ये तो कोई बात नहीं हुई। सोचो जरा, मतलब इतने सारे आपके पास आए और चले गए और आप अपने आप को क्या बोलते हो, मैं तो सही ही था, मतलब 40 नौकर 30 नौकर 20 बाइयां चली गई आके, वो सब गड़बड़ थी और आप ही क्या हो? अगर यही स्वभाव रहेगा तो हजार लोग आएंगे और हजार लोग आप वहीं के वहीं रहोगे, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। झेलो, अब इसका इलाज क्या है? जे आप उसको सुधारोगे जिसको सुधारना नहीं, अपने आप को कभी सुधारेंगे नहीं, तो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा काम। अग्रहण है ये मिथ्या, यही मिथ्या ज्ञान है। समस्या का हल विक्षेप नहीं है, ध्यान रखना। विक्षेप मतलब बहुत सारे विक्षेप मैंने कहा आपसे, विक्षेप क्या हो सकता है, ये ऐसा दिखाई देता है वो वैसा दिखाई देता है, दुनिया ऐसी है दुनिया ये, बहुत जिसमें बहुत विकल्प हुए वो क्या है, विक्षेप। इन सभी विक्षेप का जो कारण है वो कौन है, वो एक है, वो है आवरण। भाई ये मैंने ढक दिया, ठीक है, अब किसी को टॉर्च नजर आती है, किसी को मोबाइल नजर आता है, अब जिसकी जैसी मति जिसकी जैसे संस्कार उसको वो चीजें। लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि सबको ये भ्रम इसलिए है क्योंकि ये चीज को क्या कर दिया गया, ढंग। तो समस्या का कारण ये नीचे नहीं है, समस्या का कारण ही कौन है, इसको हटा दिया जाए तो सबके विक्षेप क्या हो गए। हम किसको बदलने में लगे हैं, वो बोलता है मोबाइल है, ये बोलता है पेन, तो झगड़ने कौन लगे ये दोनों, जबकि समस्या का हल ये है कि इस नैपकिन को क्या कर दी जाए, हटा दी जाए। बहुत पर्सनल एग्जाम्पल है, कोई शास्त्री नहीं है। तो निद्रा मूल समस्या नहीं है, मतलब निद्रा तो कहने के लिए मैं बोल रहा हूं, अविद्या मूल समस्या है, आवरण मूल समस्या है, अग्रहण मूल समस्या है, विक्षेप तो उसका कार्य है, अन्यथा ग्रहण तो उसका कार्य है, मिथ्या ज्ञान तो उसका कार्य है। माना ना, ये जो सब शब्दावली सब एक साइड करते जाना दोनों तरफ। अच्छा जी, अब बोले जैसे आप बोले विक्षेप, अब रस्सी पे सर्प के क्या विक्षेप हो सकते हैं, किसी को भूछिद्र नजर आता है, किसी को कपड़ा नजर आता है, किसी को पाइप नजर आता है, यही तो क्या बोलेंगे आप, विक्षेप। विविधम बहुत सारे प्रकार की चीजें हैं, उसको क्या बोलेंगे आप, विक्षेप। लेकिन सबका कारण एक है कि इसने रस्सी को रस्सी नहीं समझा। हो गया कि नहीं हो गया? तो अग्रहण एक है, अन्यथा ग्रहण अनेक है। उस अनेक का कारण क्या है, आपकी रुचि आपके संस्कार आपके स्वभाव, जैसा जिसके अंदर भरा है वो चीज उसको वैसे ही दिखाई देती है। मानस में इसमें चौपाई है ना, इसको प्रभु की मूरत कुछ ऐसी, क्या चौपाई है वो, हाँ ऐसी चौपाई, मतलब जो जैसा है उसको वो चीज वैसे ही दिखता है। प्रभु की मूरत देखिए सर,
जाकी रही भावना जिस, देखो तो वो शब्द कितने अच्छे डाले उन्होंने, जाकी रही भावना जैसी, तीने देखी मूर्ति वैसी। देखो तो अन्यथा ग्रहण के बहुत सारे कार्य हैं कि आपकी भावना क्या है। भाई एक स्त्री हो सकता है मातृत्व की दृष्टि हो सकता है, पूजनीय दृष्टि हो सकता है काम की दृष्टि हो सकता है हमारी कुछ और दृष्टि होवे, हो सकता है ब्रह्म दृष्टि होवे, पकड़ में, इसको क्या बोलते हैं विक्षेप। वो वही देखेंगे जो मेरे अंदर चीज वही होगी, ध्यान रखना। तो कचड़ा बाहर नहीं है, कचड़ा आपके अंदर है। और सुधार कहाँ हो रहा है, बाहर। कब तक सुधारेंगे बाहर भाई। अच्छा जी, तो विक्षेप बहुत प्रकार का हो सकता है बट आवरण तो एक ही है। तो आवरण में अनेकता नहीं है, विक्षेप में अनेकता है। अब आपसे निवेदन करूं, जरा थोड़ा ध्यान से समझना, कितनी बड़ी गलतियां हुई हमारी लोगों की नजर में। दो तीन योगी लोग नहीं है, वो लोग भी होते तो उनको भी बताते। योग दर्शन ने अविद्या विक्षेप को कहा, आवरण को नहीं। ध्यान से समझना जरा, ये शास्त्रीय है थोड़ा। ये जो अविद्या शब्द है, ये सब लोग एक जैसा नहीं समझते, प्लीज। सभी दर्शनों ने अविद्या को अलग अलग डिफाइन किया। जो वेदांत विद्या को समझता है वह योग दर्शन अविद्या को नहीं समझता। योग दर्शन में अविद्या का तात्पर्य है विक्षेप। चलो आपको और दिखाता हूं। बोले अविद्या चार ही है, इन्हीं चार को अविद्या कहते हैं। देखो जी, अब बोले क्या है, बोलते हैं अशुचि में शुचि का दर्शन करना, बोले ये अविद्या है। पहला देखना, इन चार को ही अविद्या कहते हैं। वो बोलते हैं अशुचि में शुचि दर्शन, तो असुख में सुख दर्शन, पकड़ में, अशुचि में शुचि, असुख में सुख, अनित्य में नित्य और अनात्मा में आत्मा। अनित्यम असुखम मिल रहा है, इन्हीं को बोले अविद्या कहते हैं। लो जी, यही अविद्या है। किसने बोला, योग दर्शन ने। देखो आप कितना उन्होंने डिफाइन कर दिया। वेदांत कहता है ये चारों क्या है, ये विक्षेप है, ये चारों विक्षेप हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, यदि कोई अनित्य में नित्य को देखता है, ठीक है, बोले ये अविद्या का कार्य है, यह अविद्या है। असुख में सुख को देखना, अपवित्र जगह पवित्र चीजों को जबरदस्ती देखना हुआ ना, बोले ये अविद्या का कार्य है। अब देखो, अब कितना बदलाव हो गया दर्शनों में। वेदांत आवरण को विद्या मानता है, तो योग दर्शन विक्षेप को मानता है। अब बताओ, तो आप ये झंडा मत हर जगह फहरा दो, विद्या मतलब ब्रह्म का ज्ञान नहीं, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो ब्रह्म का नाम ही नहीं लेता दूसरा दर्शन। तो आप क्या करोगे, आपकी अविद्या कहाँ गई। ये समझना, सभी दर्शनों ने अपना अपना स्वरूप, इसलिए सबकी साधना। अब देखो, स्टेज पे कहने के लिए सभी साधु संत लोग कहते हैं और हम भी कह देते होंगे कि सभी जगह एक ही रास्ते अलग अलग हैं सब पहुंचना। अरे रास्ते अलग है तो पहुंचोगे भी अलग अलग, कहाँ एक जगह पहुंचोगे, ये कहने के लिए है। अब जिसकी साधना ये होगी वो कहां पहुंचेगा, उसके अविद्या का भंग नहीं होगा, पकड़ में है ना, अविद्या का भंग नहीं होगा। भंग किसका होगा, विक्षेप का।
तो अभी तो मैंने आपको एक दिखाया, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। हर दर्शन का अपना अपना एक नया ही एक एक डिफाइंड वर्ड है, क्या विद्या मतलब ये, तो साधना मतलब ये। अब देखना आप न्याय दर्शन का, वैशेषिक दर्शन का, योग दर्शन का, मीमांसा दर्शन का, सबका अलग अलग है। लेकिन वेदांत तो कहता है कि ये जो विक्षेप है ये अविद्या का, ये सब उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति के अंदर क्या रहती है, अविद्या। वो कहते हैं अविद्या ही यही है। देखो जी, पकड़ में आ रहा है ना, दोनों मेरे ख्याल अंतर। वेदांत कहता है ये अविद्या के कार्य हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, यही ही अविद्या है। क्या अविद्या? बोले असुख में सुख, अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, यही ही अविद्या है। तो उन्होंने चार को क्या कर दिया, ऐसा डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, तो स्वप्न स्थानीय क्या हुआ, अन्यथा ग्रहण। स्वप्न स्थानीय अन्यथा ग्रहण, तो सुषुप्ति स्थानीय अग्रहण। सुषुप्ति कैसी स्थिति है? अग्रहण की स्थिति। तो स्वप्न कैसी स्थिति है? और जब जब अन्यथा ग्रहण होगा तब तब अग्रहण जरूर होएगा। देखना, अग्रहण में अन्यथा ग्रहण नहीं है, अग्रहण में अन्यथा ग्रहण नहीं है, अन्यथा ग्रहण में अग्रहण है। बड़ा व्यवहारिक, एक रुपए में चवन्नी है, लेकिन चवन्नी में एक रुपए, पकड़ में आता है ये दृष्टांत? 25 पैसे में एक रुपए नहीं है, लेकिन एक रुपए में, देखो जी, अन्यथा ग्रहण जब जब होगा तो अग्रहण तो जरूर हो। हाँ, अग्रहण हो, सॉरी, अग्रहण होवे उसके बाद अन्यथा ग्रहण होवे, इसमें कोई जरूरी नहीं है। जैसे सुषुप्ति, सुषुप्ति तो प्योर किसकी अवस्था है? अग्रहण, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्वप्न में आए तो क्या हो गया, अन्यथा ग्रहण, तो बहुत चीजें दिखने लगी। ठीक है, और दिखने ही क्यों लगी? क्योंकि अग्रहण है। यहां जागृत में क्या हाल है? जागृत में अग्रहण भी है और जागृत में अन्यथा ग्रहण, इसीलिए कहा गया। याद आ रहा है जिनको थोड़ा, या तीन अवस्थाएं नहीं है। देखो जी, ध्यान से, अब तो उसने अपने आप को सिकोड़ा। अब ये रटना छोड़ दो कि तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, दो ही अवस्थाएं हैं। देखो, दो ही अवस्थाएं हैं, एक अग्रहण, तो अग्रहण कौन हो गई? सुषुप्ति। तो जागृत और स्वप्न तो दोनों एक ही है, तो दो अवस्थाएं मत बोलो, जागृत अलग और स्वप्न अलग। हाई बात समझ में? जागृत बराबर स्वप्न, क्योंकि उसमें भी अग्रहण है। तो अब कितनी अवस्थाएं कर दी उसने? दो। मतलब जागृत और स्वप्न दोनों कैसी हो गई, बोलो जी? एक। देखो, इतना बड़ा जादू है, किस आधार पर? अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। अरे राम राम, आगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम, धन्यवाद। देवहितं यदायुः स्वस्ति नैन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
प्रज्ञानां सुप्रदानैः स्थिरचरनिकरः व्यापभिर्व्याप्य लोकान् मुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि दिशुडो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत् न तोऽस्मि यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः मात्वसौ नस्तुरीयः मात्वसौ नस्तुरीयः। नावन्त प्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नो उभयता प्रज्ञम् न प्रज्ञान घनम् न प्रज्ञम् न अप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदिश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतेजसौ प्राज्ञकारणबद्धस्तु द्वौतौ तुर्येन सिद्ध्यतः नात्मानं न परांश्यैव न सत्यं नापि चान्द्रतम् प्राज्ञ किञ्चन संवेति तुल्यं सर्वदृक्सदा तुल्यं तत्सर्वदृक्सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञस्तुर्ययोः बीजनिद्रायुता प्राज्ञा सा चातुर्येन विद्यते स्वप्ननिद्रायुता वाद्यौ प्राज्ञस्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नम् तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णता स्वप्नो
निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासेत योक्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् स्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ज्ञाते ज्ञाते तत्त्वं न विद्यते ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। सो यह प्रपंच यह जगत अविद्या कृत है और इस अविद्या का एक लक्षण दिया गया कि ये अविद्या अनादि है। कलाम से निवेदन किया कि अनादि का मतलब ये है कि जिसका कोई निमित्त नहीं होता है, जो निर्नैमित्तिक चीज है उसको बोलते हैं अनादि। तो अविद्या का कोई निमित्त विराजमान नहीं है, इसलिए अविद्या को क्या कहा गया? अनादि। दूसरी बात ये थी कि जो स्वप्न है और जो जागृत है वो अन्यथा ग्रहण है ना? जो स्वप्न है जो जागृत है वो अन्यथा ग्रहण है, तो जो सुषुप्ति है वो अग्रहण की स्थिति है। इसी को बोल सकते हैं कार्य और कारण। तो कहा गया कि सुषुप्ति को कारण स्थानीय रखा जाए तो जागृत और स्वप्न को कार्य स्थानीय रखा जा सकता है, है ना? तो जागृत और स्वप्न की जो अवस्था है वो कार्य रूपा है, या ऐसा कहें कि ये अन्यथा ग्रहण है, तो सुषुप्ति अग्रहण की अवस्था है। इतनी बातों को सुलझा सुलझा के रखना चाहिए। एक तीसरी बात ये थी कि जो अविद्या है उस अविद्या का स्वरूप सभी ने अलग अलग माना है। सभी की दृष्टि में ऐसा नहीं है कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो वो अविद्या है, है ना? वैसे मैंने आपके सामने एक दर्शन दिया कि योग दर्शन कहता है कि अविद्या मतलब ये है कि जहाँ अनित्य है, जो नित्य है उसको अनित्य मानना, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख को देखना, है ना? तो अनित्यम असुखम अलोकम, जहाँ अनात्मा है वहाँ आत्मा को देखना, जहाँ आत्मा है वहाँ अनात्मा देखना, बोले ये जो चारों चीज है ये अविद्या है। तो ये नहीं कहा कि स्वयं का ज्ञान अविद्या है, आत्मा का, ये सब नहीं। बोले ये जो चारों चीजें हैं इनका यदि किसी को ज्ञान नहीं है तो वो अविद्या में है। तो इसका मतलब अविद्या भी उनके लिए एक पारिभाषिक शब्द हो गया। कुल मिला के यदि मैं इसको सबको, अगर मैं इसको और एक साथ कहूं, तो वेदांत तो ये कहता है कि जो ये ऊपर वाला बज रहा है कि नीचे वाला,
वेदांत तो ये कह रहा है कि ये अविद्या का कार्य है। ध्यान से देखना, जगत अविद्या का कार्य है, हुआ ना। अब इसको ध्यान से पढ़, जगत कारण नहीं है, जगत अविद्या का कार्य है। इस जगत की उत्पत्ति या जो भी इस जगत को मानता है उसके मूल में अविद्या तो है ही है। और यदि मैं और सरल कहूं कि जो भी इस जगत को मानता है वो अज्ञानी तो है ही है, और यदि अज्ञानी है तो जगत को तो फिर वो जरूर मानेगा, क्योंकि यह जगत किसी कॉर्नर से सिद्ध होता ही नहीं है। एक इसका मत है, ये वेदांत का मत है। तो जगत अविद्या का कार्य है। अच्छा जी, तो स्वप्न स्थानीय, स्वप्न स्थानी कौन हो गया फिर? जगत हुआ ना, स्वप्न स्थानी, क्योंकि स्वप्न भी क्या है? कार्य है। स्वप्न भी क्या है? अन्यथा ग्रहण है। तो जगत भी क्या है? अन्यथा ग्रहण। तो स्वप्न स्थानी हो गया जगत, और सुषुप्ति स्थानी क्या हो गई? अविद्या, है ना। ना इन दोनों का था। अच्छा जी, अब बोलते हैं मान लो कोई जाग गया तो क्या होगा, जो आपकी श्रुति बोलती है, यदि कोई इस अविद्या से कहीं भूल से भी जाग गया, यदा जीवा प्रबुद्धते, देखो जी, जब जीव इस, तुलसीदास जी इसी को बोलते हैं कि मोह निद्रा से जब कोई जागता है, यही चौपाई है कोई ना, मोह निशासम, ऐसे एक चौपाई। हाँ, मोह निशासम जागनहारा, मानस में भी तुलसीदास जी ने यही बोला कि ये तो मोह, ये जगत तो सिर्फ नाम के लिए है, और कोई जाग गया तो देखो वेदांत भी यही कहता है, यदा जीवं प्रबुद्धते, अभी तो हम सब वास्तव में क्या हैं? सोए हुए हैं, लेकिन यदि जाग गए तो बोले जागने की अनुभूति क्या होगी? बोले अजम, देखो जी, ये जागने की अनुभूति है। आप सोचो, अनुभूति मतलब ये उसका अनुभव है। क्या अनुभव है? बोले मैं अजम हूं, अजम हूं मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ है। देखो जी, अब दो विभाग कर लो, यदि अजम की अनुभूति है तो फिर जागा हुआ है, और जन्म की अनुभूति है तो फिर, देखो जी, यदि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ है तो आप समझ लेना कि आप सोए हुए हो। ये तो जागे हुए की अनुभूति है कि मैं अजम हूं, और यही नहीं, अनिद्रम, देखो जी, वो सोया हुआ नहीं है, अस्वप्नम, वो स्वप्न में नहीं है, कहाँ है? बोले अद्वैतम, देखो जी, वो अद्वैत में स्थित है। देखो जी, अब किसी ने इसमें प्रश्न उठाया कि आप कैसे कह सकते हो कि वो अद्वैत में स्थित है? देखना जरा, ये लोगों की एक आम धारणा है, यदि प्रपंच विराजमान है यहां पर, तो प्रपंच में रहते हुए कोई व्यक्ति अद्वैत में स्थित नहीं हो सकता। देखो जी, ऐसा कुछ लोगों का मत होता है। प्रपंच मतलब जगत, प्रपंच में रहते हुए कोई अद्वैत में स्थित नहीं हो सकता। और रही बात, बोले जो ज्ञानी की बात करते हो, वो रहता कहाँ है? प्रपंच में। खाता कहाँ है? प्रपंच में। जागता कहाँ है? प्रपंच में। अरे वो भी प्रपंच से ही व्यवहार करता है, और आप क्या कहते हो?
देखो जी कि प्रपंच नाम की चीज नहीं। तो बोले भाई तुम क्या कहना चाहते हो? फिर तुम्हारे इस बुद्धि से ऐसा पता लगता है कि तुम ज्ञान तो मानते हो, तो इस कई लोगों की नजर में ज्ञान क्या है पता है? प्रपंच की निवृत्ति ही ज्ञान है। ध्यान से रखना, ये वेदांत पढ़ते पढ़ते लोगों के मन में जम जाता है। प्रपंच की निवृत्ति ही ज्ञान है। देखना अपने अपने आप जरा झांक के, क्या ये है हमारे मन में? बोले अद्वैत में तब स्थित हो सकते हैं, है ना, जब प्रपंच की, बोलो जी, निवृत्ति हो जाए। यदि प्रपंच में है, यदि प्रपंच है तो व्यक्ति प्रपंच में ही, तो यदि ज्ञानी बनना है तो बोले प्रपंच की निवृत्ति तो जरूरी है, और जब तक प्रपंच की निवृत्ति नहीं होगी तब तक व्यक्ति अद्वैत में स्थित नहीं हो सकता। ये पढ़ते पढ़ते भी लोगों के मन में भाव बनता है। अब लोग बोलते ना कि अब जगत है, तो बोले जगत से व्यवहार तो, लो जी यही बोलते ना, इसके लिए जगत को तो नहीं भगा सकते कहीं। अच्छा जी, ये इसी का एक बच्चा है ये विचार। अच्छा जी, मतलब तुम ये बात मानते हो कि ज्ञान की स्थिति तब होगी जब प्रपंच की, तो ध्यान रखो कभी नहीं होगी। देखो बहुत ध्यान से सुनना, तुम ये गांड बांध के रख लो कि प्रपंच की निवृत्ति कभी नहीं होगी, मत बनो ज्ञानी। फिर तो कोई आज तक ज्ञानी बना भी, देखो इसको पलट के भी तो देखो, क्या वास्तव में प्रपंच की निवृत्ति हो सकती है? तो करके किसने देखा आज तक? मतलब ज्ञानी ने यदि प्रपंच की निवृत्ति की तो प्रपंच कहां से आ गया अब ये? या तो कोई ज्ञानी नहीं बना अभी तक, फिर बना ना। तो कहीं साधक के चित्त में मनन करते हुए ये प्रश्न उठ सकता है कि प्रपंच की निवृत्ति ही ज्ञान है। देखो जी, कहना ये चाहता हूं मैं। अच्छा जी, तो ये निवृत्ति तो बोलते हैं कभी नहीं हो सकती, और ज्ञानी भी किस में व्यवहार करता है? प्रपंच में ही करता है। ये पूर्व पक्ष देखो कह रहे, ज्ञानी भी किस में व्यवहार करता है? प्रपंच में। अच्छा जी, बोले निवृत्ति मतलब, प्रपंच की निवृत्ति मतलब क्या, ये भी तो पूछ ले उनसे। जब ये शब्द कहा जाता है कि प्रपंच की निवृत्ति, तो प्रपंच की निवृत्ति मतलब क्या समझे आप? प्रपंच की निवृत्ति मतलब क्या? बोले प्रपंच की निवृत्ति मतलब जो मेरी समझ में आता है, वो पूर्व पक्ष कहता है, वो ये है कि मुझे प्रपंच की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। नहीं देखो, ये अलग चल रहा है, देखें मिथ्या भाव से, ये उससे भी प्रैक्टिकल आ रहा है। मिथ्या भाव तो कहीं शायद वैचारिक ही रह गया। ये कहता है कि जो आप शब्द बोलते हो प्रपंच की निवृत्ति, मेरे मन में बोले जी आता है कि प्रपंच की निवृत्ति मतलब यह है कि प्रपंच की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके गुरु उत्तर देते हैं, या तो निवृत्ति तब हो सकती है, आंख मूंद लो तब भी तो निवृत्त हो ही जाता है ना भाई। आंख मूंद लो तो प्रपंच थोड़ी देर के लिए क्या हो गया? तो या तो प्रपंच की निवृत्ति का उपाय आंख मूंदना है। देखो जी, ये समाधि की ओर जाता है, ये यही मार्ग समाधि की ओर जाता है। लेकिन तुम्हारे आंख मूंदने से और आंख न मूंदने से
प्रपंच की निवृत्ति क्या होगी? आंखें मूंद नयन बहु, ऐसी एक चौपाई भी तो आती है ना, हनुमान जी को उसने बोला ना स्वयं प्रभा ने कि आंखें मूंदो, सभी बंदरों को मैं समुद्र के उस किनारे पर पहुंचा देती हूं जहां पर उस छोर पे कौन होंगी, सीता जी। याद आता है चौपाई पांडे जी सुंदरकांड की? ये प्रसंग याद आता है कि नहीं? हनुमान जी चढ़ गए कहां, पर्वत पर, सब बंदर मर रहे थे प्यास के लिए सुंदरकांड में, तो वो स्वयं प्रभा मिलती है उनको, एक साध्वी, वही तो इनको पता देती है कि जाओ समुद्र के उस किनारे, वहीं पे कोई है। तब संपाति मिलता है, फिर संपाति बताता है मैं तो देख रहा हूँ सीता जी को। अच्छा, तो वहां पे भी आया नयन मूंद लो अपने, लेकिन नयन मूंदना अद्वैत वेदांत की साधना नहीं है। आंख बांध मतलब गांठ बांध लेना है, आंख मूंदना और कान में रुई डाल देना, ये वेदांत की साधना तो नहीं है। तो कितनी देर तक आंख मूंदेंगे? तो या तो निवृत्ति, अच्छा या तो अंतःकरण ना होवे। ये जगत को दिखाने वाला कौन है? तो अंतःकरण निवृत्त कर लो तुम, तो तुम रह ही नहीं जाओगे। यही दो उपाय दिखते हैं, ये तो आंख मूंद लो, ये तो अंतःकरण। तो आंख मूंद नहीं सकते और अंतःकरण को हटा नहीं सकते, तो निवृत्ति तो कभी नहीं होगी जो तुम चाहते हो। पकड़ में आ रहा ना? इसको सीक्वेंस ऑर्डर से समझ के चलना, तब आपके एकदम समझ में आएंगे साधक क्या कहना चाहता है। अच्छा जी, अब उसके गुरु ने बोला चलो मैं तुमको एक बात समझाता हूं, तुम एक काम करो, आकाश की नीलिमा को निवृत्त करो। देखो जी, उसके गुरु ने उसको ये एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आकाश की नीलिमा को निवृत्त करो। देखो जी, कैसे निवृत्त करोगे? सोचो, क्या वास्तव में आकाश, मतलब हम जिनका साइंस और थोड़े ठीक से देखा है, जिन्होंने पढ़ा लिखा है, उसमें देखना, विज्ञान कहता है कि आकाश का कोई रंग, ठीक है ना, आकाश रंगहीन है, लेकिन यदि रंगहीन है तो फिर नीलिमा कहां से? आकाश रंगहीन है तो फिर नीलिमा कहां से? सोचो। अच्छा, क्या हम और आपने नीलिमा को निवृत्त किया है कि नहीं? वास्तव में तो जब हम देखते हैं तो दिखता कैसा है, लेकिन हम कभी भी नीला नहीं समझते। फिर से देखना, दिखता नीला है लेकिन समझते कभी भी नीला, ये क्या है? बोले ध्यान से समझना इस दृष्टांत को, नीला हो नहीं सकता लेकिन दिखता क्या है? वो भी सब रंगों का प्रभाव है अपनी आंख पर, ठीक है? तो तुम आकाश में नीलिमा मानते हो कि नहीं मानते हो? बोले आकाश में नीलिमा नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी नीलिमा, तो तुम नीलिमा को तुमने कैसे हटाया? देखो जी, मैंने ये जाना कि वास्तव में वहां, तो जानना तुम्हारा व्यक्तिगत है या कोई प्रामाणिक है? देखो जी, तुमने जाना, ये तुम्हारा पर्सनल नॉलेज है कि किसी प्रमाण से जाना? बोले मैंने प्रमाण से जाना कि आकाश जो स्पेस है उसका कोई रंग नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद भी यदि वो दिखता है तो मैंने अपनी बुद्धि से उस चीज को क्या किया? जाना। और जब भी मैं दिखता हूं तो मुझे पता है कि नीलिमा दिखते हुए भी आकाश दूसरा। एक उसका ही भाई कहता है, निवृत्त की बात क्या करते हो,
नीलिमा है ही नहीं। देखो जी ध्यान से देखना, अब ये श्लोक आ गया ना आपका, प्रपंचो यदि विद्येत, यदि प्रपंच होवे तो उसको क्या करो, हटाओ। यहां प्रपंच नाम की चीज है ही नहीं तो हटाने की भी कोई जरूरत? अरे नीलिमा नाम की चीज वहां पर है ही नहीं तो तुमने निवृत्त क्या किया? देखना, नीलिमा नाम की चीज है ही, ये तो कहने के लिए एक शब्द है कि नीलिमा को क्या किया, सब कुछ करते हुए भी तुम्हें पता है कि आकाश में नीलिमा नहीं है। तो अब वेदांत अपनी बात को कहता है, प्रपंचो यदि विद्येत, यदि प्रपंच होवे, देखो जी होवे तो निवृत्त करो। यहां जब वो है ही नहीं तो उसको निवृत्त कहां से करोगे? ये कहना कि मैंने निवृत्त किया ये भी कोई बहुत बड़ा सत्य नहीं है। देखो जो चीज थी ही नहीं उसको तुमने क्या निवृत्त, अरे रज्जु पे सर्प था ही नहीं तो तुमने सर्प को क्या भगाया? पकड़ में आ रहा है ना, जब सर्प था ही नहीं तो क्या हटाया? श्रुति कहते, अब देखो एक जो आप कह रहे थे ना मिथ्या, तो मिथ्या के मिथ्या में तो माना जाता है कि जगत है और जगत मिथ्या है। पकड़ में आ रहा है? यहां कह रहे हैं मिथ्या की बात ही नहीं, जब है ही नहीं तो फिर मिथ्या कहां से? दोनों में कितना अंतर आ रहा है। मिथ्या में उस चीज को माना गया और मानने के बाद कहा गया कि ये नहीं हो सकता, यहां तो शुरुआत से ही सफा कर दिया कि जब वो है ही नहीं तो मिथ्या की क्या बात की जाए। प्रपंचो यदि विद्येत, यदि विद्य निवर्तित कर लो निवृत्त, न संशया। बोले फिर, बोले ये क्या है पता है? देखो ये निर्णय है साधना का, बोले माया मात्रम, ये जो है ना ये कौन है पता है? माया मात्रम। कौन? इदम। अरे इदम कौन? देखना आद माया मात्रम इदम, कौन इदम? बोले द्वैतम। देखो कैसे स्पष्ट बोलते हैं, ये माया मात्र है, कौन यह, कौन यह? बोले ये द्वैत। देखो ये तीनों एक ही के विशेषण है, माया मात्रम इदम और द्वैतम, ये तीन एक ही की बात कह रहे हैं। ये जो प्रपंच है जिसकी तुम बात कर रहे हो ये है ही नहीं, ये तो माया मात्र है। माया मात्र है मतलब इदम, इसमें दिसनेस है, और ये क्या है? द्वैत है। अद्वैत की बात नहीं है। देखो वो जागा तो उसने क्या बोला था? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम। देखो यहां पे क्या बोलते हैं? द्वैतम, माया मात्रम इदम द्वैतम। अच्छा जी, तो बोले फिर सत्य क्या है? बोले अद्वैतम परमार्थतः। देखो जी बहुत ही सुंदर कारिका है, पारमार्थिक सत्य अल्टीमेट ट्रुथ और जो वास्तविकता है वो यही है। क्या चीज? अद्वैत सत्य है। अब इस बात को जो समझने का मुझे, और जहां तक मैं समझ पाया, इसको जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो साधना का ये होना चाहिए कि मैं यहां तक पहुंचूं। कहां तक? माया मात्रम इदम द्वैतम। पकड़ में ना, ये सब खोजबीन तलाशी लेने के बाद निर्णय ये आना चाहिए कि जगत माया मात्रम है। अच्छा मैं इसमें एक बात बोली हूं,
प्रपंच की निवृत्ति का हेतु जो है, जो ये जो निर्णय आया, ये आया कहां से? प्रपंच की निवृत्ति का जो हेतु है, हेतु मतलब कारण, वो एक है, ध्यान रखना। ये वही समझ सकता है माया मात्रम, वही समझ सकता है इदम, वही समझ सकता है द्वैतम, जो व्यक्ति विचार करता है। फिर से मैं बोलूं, जो व्यक्ति विचार शून्य है, विचार के नाम पर घबराता है और विचार करना पता नहीं है, सही बात तो ये, कुछ तो भी बोलने का नाम विचार नहीं है। मुझे अभी भी छांदोग्य में स्वामी जी ने इस पर बड़ा अच्छा, विचार मतलब क्या, कुछ भी सोचने का नाम विचार नहीं है। कि आपकी जो समझ में आया वो बोल दिया, बोले मैं वैचारिक हूं, अच्छा। बहुत पागल पड़े हैं जो सोचते रहते हैं उधर उधर की बात, सब वैचारिक हो गए। बनिया भी सोचता है अपनी दुकान में। वैचारिक का अर्थ है विचार, विचार मतलब विपरीत आचार। जब मैं किसी चीज को देखता हूं तो उसके विपरीत जब जाता हूं, विपरीत मतलब उसके पीछे पीछे जाता हूं, तो उसको क्या बोलता हूं, विचार हो रहा है। ये जगत है, जगत कहां से आया, तो पंच महाभूत से आया, पंच महाभूत कहां से आया, तो ये से आया, ये कहां से आया। अब इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, ये विपरीत चल रहा है, नहीं, इसको बोलते हैं विचार। जरा समझना है, प्रपंच की निवृत्ति का जो हेतु है वो विचार है और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है, ये किससे दिखाई दे रहा है, इंद्रियों से नहीं, अविचार से। अरे जिसके पास इंद्री ना हो तो वो, उसको भी जगत दिखाई देता है, अंधे को भी तो जगत दिखाई देता है, बहरे को भी तो जगत दिखाई देता है, नहीं, कोमा में है उसके लिए भी जगत है। तो इंद्रिय से नहीं, ये जगत कोई यदि कहता है तो उसका कारण अविचार है, क्योंकि उसने ठीक से विचार नहीं, विचार करेगा तो इस निष्कर्ष पे ही पहुंचेगा माया मात्रम। ये सब कहने की बातें हैं, आया ना, इदम ये द्वैत है, ये माया है, ये यही निष्कर्ष पे पहुंचेगा यदि वो एक साधना करता है, वो साधना का नाम है विचार। तो वेदांत ये कहता है कि प्रपंच की निवृत्ति का जो हेतु है वो है विचार। अब देखो, आप बहुत ईमानदारी से विचार करना चाहिए, जबरदस्ती, और मेरा स्तर वो है नहीं, और मैं जबरदस्ती किसी चीज की बात करूं वो सब फालतू की बातें हैं। पहले ये देखना चाहिए कि मैं किस स्तर पर जी रहा हूं। मतलब मुझे विचार के लिए पहले तो अपनी भूमि को क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए। अब देखो, इसी विचार की भूमियों को ही दर्शन कह दिया गया, और सभी दर्शन ने अपना क्या प्रस्तुत किया है, विचार। मैं आपको एक सरसरी निगाह से दिखाता हूं, यही हमारी अनुभूति और किसी की नहीं है, ये जो दर्शन आचार्य, मतलब अगर कोई चारवाक से भी विचार करना प्रारंभ करे, नमन है उसको, घबराना नहीं। ये चारवाक, यदि ये चारवाक है, ईमानदारी से चारवाक है, तो ये कभी ना कभी यहां पर पहुंचेगा, किस पे, माया मात्रम। जो चला है वो कभी ना कभी पहुंचेगा, जो चला ही नहीं अभी तक वो क्या पहुंचेगा। यदि कोई चारवाक के सिद्धांत को जीता है और उस पर विचार करता है तो उसको उसमें दोष तुरंत नजर, तो देखो वहां से फिर क्या बढ़ा, वो आगे बढ़ा कि नहीं, वो आगे बढ़ाने वाली चीज कौन सी थी, देखो जी, विचार।
किसी भी दर्शन का विरोध नहीं है, ध्यान रखना वेदांत। सभी दर्शन की अपनी अपनी एक कक्षा है और उस कक्षा को जीना चाहिए, लेकिन अगर आप ईमानदारी से जिए तो आप वहां से आगे जरूर बढ़ेंगे, ये पक्की बात है। अरे साइंस को ले लो आप, मानो आप कि ये जगत एक स्फोट और एक विस्फोट का परिणाम है। अच्छा जी, तो आपके सामने मैंने रखा ना, वो विस्फोट किसने किया? वो विस्फोट बोले एनर्जी, तो वो एनर्जी में शक्ति कहां से आई? तो वो एनर्जी वहां पे किसने रखी? बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके सामने। जो बिग बैंग था वो कहां स्थित था? क्योंकि आपने आकाश की उत्पत्ति तो बताई, ठीक है, यही तो उत्पत्ति बतानी है, तो वो बिग बैंग था कहां पर? वो बिग बैंग बना किस चीज से था? और बोले विस्फोट हुआ तो उसके अंदर से ज्वाला और जल, यही तो वन ठंडा हो गया। तो ये सब चीजें तो आपने पहले से क्या कर ली, इसका मतलब गोले के अंदर तो आपने विचार क्या किया? मैं तो आपसे यही पूछ रहा था कि आकाश कहां से आया, अग्नि कहां से आया, जल, और आपने पहले से इसको क्या कर लिया? देखो जी, ये प्रश्न भी तब आएगा जब व्यक्ति क्या करेगा, और इसलिए कभी विज्ञान का विरोध नहीं है। जब विज्ञान भी अपने उस पर विचार करता है तो उसको ईमानदारी से समझ में आता है कि एक कदम और आगे, मतलब मैं इस प्रश्न का उत्तर यहां पर नहीं पाता हूं तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक कदम आगे। देखो, यही आगे बढ़ना ही व्यक्ति को माया मात्रम तक ले जाएगा, ये प्रोसेस जारी रहनी चाहिए। तो मैं आपके सामने रख रहा था कि देखो, इस जगत को देखो, विचार कहां से चालू किए लोगों ने, बोलते हैं ये जो जगत है ये भूत से बना, ठीक है, पंचमा, तो उसी वाद को क्या कह दिया गया, भौतिकवाद। देखो जी, ये वाद एग्जिस्ट करता है आज, और ये भी कोई एक विचार का ही नाम है, ध्यान रखना, भौतिकवाद भी एक विचार का ही नाम है। और ये विचार ये है कि ये जो जगत है ये किससे बना, तो इस वाद को आपने क्या बोल दिया, भौतिकवाद। यही नहीं, भौतिकवाद से आगे बढ़े तो उनको लगा कि नहीं, इसमें कुछ एनर्जी नाम की भी चीज इस दुनिया में है। लो जी, तो उन्होंने अणु पर विचार किया। अब देखो, उस वाद का नाम क्या दे दिया उन्होंने, अणुवाद दे दिया। तो भौतिकवाद भी है तो अणुवाद भी है। और ये भी समझ में आया कि यदि शक्ति है तो कोई शक्तिमान भी होना, शक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकती। देखो जी, ये विचार का ही नाम है। तो फिर उन्होंने ईश्वर को माना, तो और कौन सा वाद बन गया? देखो, ये किस चीज का परिणाम, ये विचार का परिणाम है कि भौतिकवाद से व्यक्ति अणुवाद पे जाता है और अणुवाद से व्यक्ति ईश्वरवाद पे जाता है। वही जा सकता है जो निष्पक्ष चिंतन करे और निष्पक्ष विचार करे। यही नहीं, त्रिगुणों को माना गया। देखो जी, मतलब एक दर्शन ये है कि वो कहता है कि इस दुनिया में तीन चीजें दिखती हैं बस। देखो क्या क्या है, बोले ज्ञान और सुख, इस दुनिया में ज्ञान और सुख दिखता है, इस दुनिया में क्रियाशीलता दिखती है, और इस दुनिया में जड़ता दिखती है। देखो जी, कैसे विभाग कर दिया, जगत में ज्ञान और सुख दिखता है, जगत में क्रियाशीलता दिखती है, और जगत में जड़ता दिखती है। तो बोले ज्ञान और सुख किसका परिणाम है, बोले सत्व का, क्रियाशीलता किसका परिणाम है, रजोगुण का, और जड़ता किसका परिणाम है, इसलिए जगत त्रिगुणमयी है। लो जी, भगवान ने भी गीता में बोलिया ऐसा गुणमयी। लो जी, इसी दर्शन को तो आपने क्या बोला, सांख्य दर्शन बोला ना,
देखो अब ये दर्शन कौन सा, सांख्य दर्शन है, जिसने थोड़ा और क्लासिफिकेशन किया कि इस जगत में क्या क्या चीजें हैं, तो उसने बता दिया कि जड़ता है तो क्रियाशीलता है तो ज्ञान है। ये कहां से है, बोले तीन गुणों से है। तीन गुण कैसे, बोले बोले जो सत्व रज और तम है, जब ये साम्यावस्था में रहते हैं तो जगत बोलो जी लय हो जाता है, और जब ये वैषम्य अवस्था में है तो जगत की सृष्टि होती है। लो जी, तो मिला कारण कि नहीं मिला। सत त्रिगुणों में विक्षोभ का परिणाम है सृष्टि, और त्रिगुणों की साम्य अवस्था का परिणाम है बोलो जी लय। देखो जी अब ये हुआ कि नहीं, अब ये सांख्य दर्शन बन गया कि नहीं बन गया। ये कहां से आया, ये विचार से आया। मैं और दिखाता हूं आपको, एक बहुत अच्छी चीज निकली। एक व्यक्ति है, वो ये खोजता है किसी भी पदार्थ में स्वयं निर्धारण का कोई कारण नहीं है, मतलब कोई भी पदार्थ स्वयं कुछ नहीं बन सकता। ध्यान से देखना है क्या है? कोई पदार्थ स्वयं अपना निर्धारक या स्वयं अपना शेप नहीं ले सकता। जरा सोच के देखो ये क्या है। सीमेंट, सीमेंट अपने आप मकान का शेप नहीं ले सकती। अच्छा जी, मतलब कोई और होगा जो सीमेंट को मिलाने वाला। फिर बोले महाभूत, महाभूत स्वयं अपना शेप नहीं ले सकते, तो बोले कौन है इनको शेप दिलाने वाला। तो आपको पता है क्या उत्तर दिया गया, ईश्वर नहीं माना। देखो जी, बोलते हैं ये कर्म ही है जो व्यक्ति को शेप में लाता है। देखो जी, ये कौन सा दर्शन कहलाए पता है, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन कभी ईश्वर को नहीं मानता, ध्यान रखना। वो कहता है ईश्वर की जरूरत नहीं है, कर्म ही इस सृष्टि को बनाता है, तो कर्म ही इस सृष्टि का क्या करता है, लय करता है, तो कर्म ही व्यक्ति को फल देता है, तो कर्म ही व्यक्ति को सुख देता है, तो कर्म ही व्यक्ति को दुख देता है। लो जी, ये किसका परिणाम, अब ये है ठीक है नहीं, देखो आप एक स्तर पे। व्यक्ति को सुख और दुख देने वाला वास्तव में ईश्वर नहीं है, ध्यान रखना। भगवान ने गीता में भी इसका समर्थन किया, ना दत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम विभु। देखो जी, इस बात का समर्थन भगवान ने, ना मैं किसी का पुण्य लेता हूं ना तो मैं किसी का। लो जी, और जो पुण्य और पाप मानता है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। लो जी, ये अज्ञान ने उनके ज्ञान को क्या कर लिया है, मैं ना पुण्य देता हूं ना तो मैं पाप देता हूं। कहां है, गीता में। देखो जी, दर्शन आया कि नहीं आपका मीमांसा। तो ये मीमांसा दर्शन की देन है कि कर्म ने ही सब कुछ बनाया। तो वो बोलते हैं आकार मर रहा है। ध्यान रखना, मीमांसा दर्शन ही कहता है कि जगत नित्य है, जगत नित्य है। प्लीज जरा देखना इनके बारे में, इसको कभी ध्यान से हम लोगों ने देखा ही नहीं मीमांसा को। मीमांसा दर्शन कहता है जगत नित्य है, तो बोले ये प्रलय की बात, बोले उसको बोलते हैं खंड प्रलय। देखो जी, महाप्रलय नाम की चीज होती ही नहीं है। बोले महाप्रलय मतलब क्या, जगत का लय। अरे बोले, जैसे इतने आदमियों में कोई एक आदमी का अंग कट गया तो आप क्या बोलोगे, आदमी जात खत्म हो गई। इतने लोक में पृथ्वी कहीं समाप्त हो गई तो आप क्या बोलते हो, महाप्रलय आ गई। देखो जी, वो कहता है खंड प्रलय होती है, महाप्रलय। देखो जी कितना अच्छा दर्शन, जगत नित्य है। और आप अगर सही से अभी थोड़ा सोचोगे ना, तो आपको लगने भी क्या लगता है
बात एकदम ठीक, क्योंकि वैचारिक है, जगत नित्य है। बोले मर कौन रहा है? बोले आकार मर रहा है, पंच महाभूत नहीं मरते। पंच महाभूत हैं, वो कभी नहीं लय होंगे। अभी कौन सा दर्शन आया? देखो मीमांसा। और अब कहां से चला था? ये चार्वाक से चला, अणुवाद चला, और कहां कहां पहुंच गया? देखो यहां पे पहुंच गया। अच्छा इसमें ही मैं बताऊं, ये जैनी है आपने, जो जैन दर्शन है ये मीमांसा के बहुत करीब है। जो जैन दर्शन है और हमारे यहां का जो मीमांसा दर्शन है वो बहुत करीब है। अब इसमें अंतर क्या है? मीमांसा ये मानता है, मुक्ति जिसको मानता है मीमांसा, वो है स्वर्ग की प्राप्ति, किसी अच्छे लोक की क्या हो गई? प्राप्ति। तो बोले इनकी क्या हो गई? मुक्ति। अब जो स्वाहा स्वाहा ये करते रहते ना ये पंडित और ये सब, इनको इसमें मजा आती ना कि इतना करो कि आपको क्या मिल जाए? स्वर्ग मिल जाए। इनका मतलब सिर्फ इनकी आखिरी स्थिति क्या है? तो कर्म करो, क्यों? स्वर्ग चाहिए। जैनी क्या कहते हैं? देखना, वो स्वरूप में स्थित होकर, ध्यान रखना यहां नहीं, आलोकाकाश, एक उनका आलोकाकाश है, वहां जाकर उनकी क्या होती है? इसका मतलब उनका भी कहीं ना कहीं गमन, यहां रहते हुए वे वो मुक्त। देखो जी ये अंतर है, वो स्वर्ग में गए तो ये कहां गए? आलोकाकाश। पकड़ में है ना? अब इसमें भी बहुत सारा भेद है आपके, थोड़ा थोड़ा सब में टेक्निकल। अब जिनको आप, मैं इन पर थोड़े ही बोलूं, ये जो आप शब्द यूज करते हैं ना वैष्णव, ये शब्द ठीक नहीं है। दर्शन की भाषा में इसको बोलते हैं द्वैत दर्शन, है ना? वैष्णव तो फिर बहुत सारे हो गए, आया ना, इसको बोलते हैं द्वैत दर्शन। अब जरा आप इनमें देखना कि जो न्याय दर्शन है वो भी ईश्वर को मानता है, और जो द्वैत दर्शन है, लेकिन दोनों की मुक्ति में बहुत बड़ा अंतर, समझना। ईश्वर को मानने के बावजूद भी अंतर है, ईश्वर एक ही है, समझना। ईश्वर को मानने के बावजूद भी अंतर है। अब वो बहुत सारे टेक्निकल है इनके। अब इसमें भी चार दर्शन हो गए इनके, भक्ति में भी तो निंबार्काचार्य का दर्शन हो गया, तो रामानुजाचार्य का हो गया, तो माधवाचार्य का हो। देखो इन्होंने भी भगवान के स्वरूपों में क्या किया। अब आप देखना, एक बोलता स्वर्ग जाएंगे, तो अब आपको पता है कि जो एक दर्शन आप इसमें देखना, ये दो लोग हैं इसमें, इनको आपको अच्छा पता। एक बोलता है मुझे गोलोक चाहिए, गोलोक मतलब, तो साकेत नहीं चाहिए। देखो जी साकेत गए तो मुक्ति नहीं। अच्छा एक है साकेत गए तो वो कहेगा मुझे साकेत चाहिए, गोलोक नहीं चाहिए। अब लो पकड़ में आना, इनमें ईश्वर को मानते हैं, ये अच्छी बात है। तो वो कहेगा गोलोक चाहिए, तो वो क्या कहेगा? साकेत चाहिए, तो वो क्या कहेगा? स्वर्ग चाहिए। लेकिन इनमें जो सबसे प्रामाणिक थोड़े बहुत ठीक है वो है रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी वो एक बात बोलते हैं, उनका अलग कॉन्सेप्ट, वो बोलते हैं वैकुंठ की प्राप्ति होनी चाहिए। देखो ईश्वर एक है, इतने में अंतर हो गए। एक क्या बोल रहा है? स्वर्ग। एक क्या बोल रहा है? गोलोक चाहिए। एक क्या बोल रहा है? साकेत। रामानुजाचार्य का एक दर्शन है, इसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। वो मुक्ति को बोलते हैं व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होनी। अब मैं आपको सरसरी निगाह से यदि बोलूं तो स्वर्ग लोक में और वैकुंठ लोक में क्या अंतर है? देखो अब इनमें भी बहुत अंतर है। स्वर्ग लोक भोग प्रधान है, तो वैकुंठ वैकुंठ लोक उपासना प्रधान है। देखो जी कितना अंतर हो गया। ये जो वैष्णव जिनको आप बोलते हैं वैकुंठ में जाने,
यहां भोग प्रधान नहीं है, याद रखना, वैकुंठ भोग प्रधान नहीं है, वैकुंठ उपासना प्रधान है, तो वैकुंठ भक्ति प्रधान है, वैकुंठ क्रिया प्रधान है, और भावना का बहुत बड़ा वैल्यू की गई, तो कौन से लोग जाएंगे? तो अब वो जो वैकुंठ वाला आप उसको बोल दो कि मैं साकेत भेज दूंगा तो वो अपमान समझता है, और वैकुंठ वाले को आप बोलो कि मैं स्वर्ग भेज दूंगा तो महाअपमान है। पकड़ में आते ना, स्वर्ग है वो भोग के लिए है, ये बात गीता में भी है, वो भोग की नगरी, लेकिन जो वैकुंठ है ये कौन सी? भक्ति प्रधान है। मृत्यु लोग दुख भोग प्रधान है, वो कैसा प्रधान है? सुख भोग, भोग भी तो दो प्रकार के, एक मार मार के कहते वो भी भोग है, और एक वो, अब दवाई का भी व्यक्ति क्या करता है? भोग करता है, और सुरा का भी क्या करता है? दोनों में कितना, एक हंसी हंसी पीता है, एक दुख से पीता, दोनों को है। तो कर्म हुए तो यहां भेज दिया, कर्म हुए तो वहां भेज दिया, लेकिन वैकुंठ लोग ओहो, तो वो तो बहुत बढ़िया भाव प्रधान है वहां। अच्छा, ये सब परिणाम किसका है? मैं इसलिए आपको ये सब गिना रहा हूं, यदि किसी ने इन दर्शनों को जिया तो मैं आपसे बताऊं, उसको एक दिन ये समझ में आता है, ये कौन से, ये ध्यान रखना, ये जो कारिका है ये किस मंत्र की व्याख्या हो रही है, ये भूल मत जाना, ये हाँ, ये किस मंत्र की व्याख्या है? प्रपंचोपशमम। इस शब्द की कारिका है, इस शब्द पे ये मंत्र चल रहे हैं अभी तक, जो आया ना जरा देखो भैया, ये भूल मत जाना आप, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 मिला मंत्र, अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम, उसके बाद क्या लिखा है? प्रपंचोपशमम। देखो ये प्रपंच का उपशम तभी हो सकता है जब व्यक्ति क्या करे, जगत की, प्रपंच की निवृत्ति का जो हेतु है वो कौन है? विचार। यदि कोई क्रिया से चाहेगा कि मैं क्रिया से हटा लूं इस जगत को, तो जगत को कभी नहीं हटा सकता, भावना से हटा लूं, सॉरी, तो भावना कितनी देर है? थोड़ी देर है, फिर भावना होना खत्म। देखो जी, आप देखो, आपकी भूख लगी हो, दो दिन की भूख लगी हो कस के आपको, और आप भोग भोग की बात करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को, तो आपके मन में तुरंत क्या आता है? जल्दी से भोग लगाओ यार, पहले खाना खाओ। देखो जी, है कि नहीं है? भावना टूटी कि नहीं टूटी? कितने दिन करोगे आप? तो भावना का जो समय है वो क्या है? अल्पकाल है। तो फिर नई नई भावनाएं लाओ, नए नए उत्सव लाए जाते हैं कि आपकी नई नई क्या बने, फिर भाव, क्योंकि भावना का काल बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो प्रपंच की निवृत्ति माया मात्रम इदम द्वैतम, ये तभी हो सकती है जब व्यक्ति क्या करे? विचार। तो प्रपंच की निवृत्ति का जो हेतु है वो कौन है? यदि व्यक्ति करता है तो इस मंत्र को जरूर जिएगा। किस मंत्र को? प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशया माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, जो पारमार्थिक सत्य है वो तो अद्वैत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।